आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की बच्चियों खूब पढ़े और खूब गढ़े। नौ इतिहास इंटर में छात्राओं के लिए ढाई गुना सीटें बढ़ेगी। इससे करीब 8 लाख छात्राओं का इस बार होगा नामांकन और बिहार में बालिकाओं का रिकॉर्ड तोड़ होगा दाखिला। सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में होगा अब हॉस्टल सुविधाएं। प्रदेश में 85,000 छात्रों को मिलेगा इसका लाभ और इसमें एक तिहाई सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित होगी। अब विद्यार्थियों को नहीं होगा आवास की दिक्कतें। श्री अरविंद ने कहा कि बिहार में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2885 तालाब अमृत सरोवर बनेंगे। सभी सरोवर पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी तिरंगा लहराएंगे। अतिक्रमित और सूखे तालाब पुनर्जीवित होंगे। जल संरक्षण और भूगर्भीय जल बढ़ोतरी में भी सहायक होगा। इस कार्य में मानव दिवस का भी सृजन होगा। 88 साल के इंतजार मोदी सरकार ने किया साकार। मिथिला और कोसी क्षेत्र की दूरियों को काटकर मधुबनी जिला सुपौल सहरसा से रेल सेवा शुरू हुए। 1934 के भूकंप के बाद फिर दौड़ी बिहार में ट्रेन। मोदी जी ने पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ाया है बिहार का बजट। बिहार में बनेंगे 27 रेलवे ओवरब्रिज। प्रदेश के 10 जिलों में 12 रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हुआ। इसका 785 करोड़ रुपया की लागत से नव निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने और 15 रेलवे ओवरब्रिज के लिए हामी भरी है। रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.72 लाख से अधिक गांवों बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे टीडी न्यूज के साथ। अगर हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।